हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हमारी जो लेक्चर सीरीज चालू है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। एक्स कोमा वाई इज़ अ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए, इसमें हमको क्या करना है। एक्स कोमा वाई, ये एक पॉइंट है जो 5 यूनिट दूर है ओरिजिन से। मैं आपको इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह होगा ये। मुझे लगता है ये थोड़ा ओवरलैप्ड हो गया है, जस्ट अ मिनट। नाउ इट्स परफेक्ट। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पर हमें आंसर लिखते समय डायग्राम को पहले समझ कर हम लोग आंसर लिखेंगे। हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर ओरिजिन, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ऑलराइट, क्या लिखा है यहाँ पर। एक्स कमा वाई इज़ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 5 यूनिट पे है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स लाइन द थर्ड क्वाड्रेंट, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाइन द थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो 5 यूनिट्स की दूरी पर है, 5 यूनिट्स की दूरी पर है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो दोस्तों, 5 यूनिट्स यानी मान के चलो 5 यहाँ पर आता है, 5 यूनिट वाला पॉइंट यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी आता है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, 5 यूनिट्स पे यहाँ से डिस्टेंस लेके ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट इज़ ओपन। ओपन इन वॉट सेंस, अगर हम लोग सर्कल भी ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के ऊपर पॉइंट्स कितना होता है, सर्कल के ऊपर पॉइंट्स होता है इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है ऑन दी सर्कल, राइट। सो ये सर्कल का ही एक क्वाड्रेंटल पार्ट है जिसपे इनफाइनाइट पॉइंट्स रहेंगे, राइट। इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ है ही नहीं, मैंने फिर भी एक छोटा सा डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन आपको बताया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। देखो, इनफाइनाइटली मैंने आपका आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन में, राइट। क्योंकि 5 यूनिट के डिस्टेंस पे चाहिए इन लोग को, तो इनफाइनाइटली पॉइंट्स है। मान के चलो अगर यहाँ पे 5 यूनिट नहीं होता और ऐसा लिखा होता कि -2.3 वॉट एवर इट इज़, ये एक जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने, राइट। -2.3 ऐसा, तो एक ही पॉइंट लाया होगा ना दोस्त, -2.3। मान के चलो ये तो ऐसे ही नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये -2 है यहाँ पर और +3 यहाँ पर है, तो ये हो गया पॉइंट -2.3, एक ही तो पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे वन सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है ना। मतलब यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन है, 5 यूनिट पे कितने पॉइंट ओरिजिन से लाएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाएंगे, राइट। ऑल राइट, चलो लेट्स गो अहेड। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिखा था, राइट। ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए बी, इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए, डी इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू बी एंड ई सी इक्वल टू सी, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। ऑल राइट, देखिए एक्सप्रेस करना है एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखो अब ये जो चीज़ है ना, मतलब मुझे एक चीज़ बिल्कुल पता है दोस्तों, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है कि एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, ये पहले सुना नहीं है, देखा नहीं है। एक्सप्रेस करना यानी क्या करना, यानी दोस्तों ऐसा कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना। वॉट इज एक्स, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, एक्स का वैल्यू फाइंड करना, वो भी किसके टर्म्स में, ए बी सी के। मतलब एक्स के सामने जो आंसर आएगा ना एक्स का दोस्तों, उसमें ए बी और सी ये होने चाहिए। मान देखो ना, यहाँ पर ऑप्शन में वैसे दिख रहे हैं आपको ए सी अपॉन बी प्लस सी, ए बी अपॉन बी प्लस सी, ए बी अपॉन सी, ये सब जो है एक्स का वैल्यू है, राइट। तो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है डी ई पैरेलल टू ए बी। जैसे ही आप ये पैरेलल लाइंस देखते हो, आपके दिमाग में एक थ्योरम आता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बराबर ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा तकलीफ़ होगा भाई। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको दिखाता हूँ मैं तकलीफ़ क्या होता है। देखो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ तो थोड़ा पेज लेंथ एंड ऑल एवरीथिंग बढ़ेगा, ठीक है, और आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। दिस इज़ ए बी ई डी एंड सी। ऑल राइट, आई हैव ड्रॉन द डायग्राम। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है मुझे। आई हैव बीन गिवन ए बी इज इक्वल टू ए, ए बी के जगह ए लिखो। मैं कलर थोड़ा और येलो वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। ए बी के जगह, जस्ट अ मिनट,
वहाँ से नहीं होता, ये सिलेक्शन तो यही से होगा। ए बी के जगह ए लिखा है, डी ई के जगह एक्स लिखा है, वेयर इज डी ई, डी ई के जगह एक्स लिखा है। ओके, बी ई इज इक्वल टू बी, बी ई इज इक्वल टू बी एंड ई सी इज इक्वल टू सी। नाउ सी, इफ आई एम अबाउट टू यूज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय बी पी टी, मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, क्योंकि डी ई पैरेलल टू ए बी है, क्योंकि डी ई पैरेलल टू ए बी है, बी पी टी के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ? सी ई अपॉन ई बी, मैं लिख सकता हूँ सी ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी ए, सी डी अपॉन डी ए, ठीक है ना? ऐसा मैं कर सकता हूँ, राइट? लेकिन क्या इससे आंसर मेरा आ जाएगा? देखो प्रॉब्लम है इसमें, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर मैं इनका वैल्यू लिख देता हूँ ना, आपको लिख के भी दिखाता हूँ। देखो, सी के जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ? सी ई का वैल्यू क्या है दोस्त? सी वैल्यू है, ठीक है, सी लिख देता हूँ। ई बी के जगह वैल्यू क्या लिखूँगा मैं? बी लिखूँगा, ठीक है। सी डी के जगह सी डी ही लिखना पड़ेगा, डी ए के जगह डी ए ही लिखना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा एक्स भाई? एक्स कहाँ गया? एक्स तो नहीं दिख रहा है, तो इसको रुका देंगे। मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, जिससे इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखना। अब देखो, मैं बी पी टी नहीं यूज़ करने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ बी पी टी, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ बी पी टी, मैं बी पी टी नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं बिल्कुल अलग तरीके से आपको सोचने पे मजबूर करूँगा। देखिए, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि वैसे ये काम का नहीं होने वाला, ठीक है। देखो, जस्ट अ मिनट, ऑलराइट। तो देखिए, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसको विदाउट बी पी टी। कैसे सॉल्व होगा ये विदाउट बी पी टी? ऑलराइट, देखिए, ऑल सेट, और ठीक है। तो अभी मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, जैसे ट्रायंगल सी ई डी, देखिए इन ट्रायंगल सी ई डी एंड ट्रायंगल सी बी ए, ध्यान से देखिए दोस्तों, ट्रायंगल कौन से लिए गए हैं? सी ई डी है ना, एंड सी ई सी बी ए, सी बी ए। आपको तो पता है, आपको बिल्कुल पता है कि भाई यहाँ पर ये लाइन, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ अभी, वाइट कर रहा हूँ इसको और डार्क वाइट कर रहा हूँ, और ये लाइन पैरेलल है ना। पैरेलल लाइन जब होंगी तब होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का शॉर्टकट है मेरे दोस्त F। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, F कैसा भी निकालो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो देखो, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। मैं लिखूँगा एंगल सी ई डी इज इक्वल टू, है ना, सी ई डी लिखो या फिर डी ई सी लिखो, इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। रीजन में क्या रहेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। अब देखिए, हमें इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है। अब देखो, और क्या तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है? देखिए, आप लिख सकते हो एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ऐसा क्यों? देखो दोस्त, डी सी ई ए सी बी, डी सी ई ए सी बी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो डी सी ई, ठीक है, ए सी बी, ए से सी तक, सी से बी तक, आपको ऐसा लग रहा है ये कॉमन एंगल हो रहा है? डी सी ई और ए सी बी, ये दोनों भी क्या हो रहा है? दोनों सी से पास हो रहा है। देख लीजिए, मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ, आई शो इट यू वंस अगेन। देखिए, चलिए तो यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करेंगे। डी सी ई है ना, आप ऐसे आए, यू केम दिस वे, ये वाला एंगल बना। ए सी बी, फिर से यही एंगल बना, तो ये कॉमन एंगल हो गया, है ना, बीच में सी आ रहा है वैसे ही, तो इसका रीज़न आएगा कॉमन एंगल, कुछ लोग कमॉन एंगल बोलते हैं, ठीक है, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल सी ई डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए, ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए क्या ये सब करना जरूरी है सर?
बिल्कुल नहीं दोस्त, अगर आप ओरली एग्जैक्टली ऊपर से ऊपर पहचान सकते हो कि पैरेलल लाइन से तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता ही है एंड कॉमन एंगल हो ही रहा है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे तो आपको एक्सप्लेन करना है ना, तो मुझे लिख के दिखाना पड़ रहा है। राइट, आप सीधे रेशियो ले लीजिए। अभी सी ई इधर से पहला लेना है, रेशियो पता है ना कैसे लेते हैं, ये पहले दो और इधर के पहले दो, सी ई अपॉन सी बी इज इक्वल टू आगे वाले दो यानी ई डी। ये ई डी थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा है मैंने, एक्सक्यूज मी फॉर द नॉइस। ई डी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, बी ए, और ये पहला और आखिरी ले लो सी डी, सी डी अपॉन सी ए, सी डी अपॉन सी ए। ठीक है ना, कैसे कैसे लिया देखो, ये पहला दो, ये पहला दो, ये दूसरा दो, ये दूसरा दो, पहला तीसरा, पहला तीसरा। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, इनका वैल्यू पुट अप करेंगे हम लोग, वैल्यू। ठीक है, अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन से आगे बढ़ रहा हूँ, इनका वैल्यू पुट अप करेंगे। वैल्यू किस तरह पुट अप होगा ध्यान से देखना, वैल्यू कैसे पुट अप होगा, आपको सी ई के जगह सी ई का वैल्यू डालना है। सी ई के देखो जगह क्या लिखा है, सी ई के जगह लिखा है सी, आप लिखो सी। सी बी का वैल्यू पता है आपको, सी बी का, सी से बी तक अगर आपको जाना होगा तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, देखो सी बी का वैल्यू क्या आएगा, सी बी यानी आप लिखोगे सी ई प्लस ई बी, सी ई प्लस ई बी है ना, सी ई प्लस ई बी, जानबूझ के स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं। ई डी अपॉन बी ए, देखो ई डी का वैल्यू क्या, देखो यहाँ पे ई डी, ई डी यानी एक्स, एंड बी ए का वैल्यू क्या है, ए। अब रही बात इसकी, इसको यूज़ ही मत करो क्योंकि इसका वैल्यू वैसे ही पता नहीं हमको, है ना। तो अब देखो सी ई अपॉन, आई एम सॉरी सी अपॉन, सी ई का वैल्यू देखो क्या है हमारे, सी ई का वैल्यू, सी ई का वैल्यू सी है। ई बी का वैल्यू क्या है, ई बी का वैल्यू बी है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्त, यहाँ पर बताया था मैंने, एक्स का वैल्यू ढूंढना है हमको, एक्स का वैल्यू ढूंढना है। तो चलो एक्स का वैल्यू ढूंढेंगे, एक्स को अकेले रखेंगे, सी ए जो है, ए जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेगा, ए इंटू सी ए सी, ए सी अपॉन सी प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी प्लस बी। ठीक है, ये रहा आंसर, क्या हमारे ऑप्शंस में है, ए सी अपॉन सी प्लस बी। आप देख सकते हो आंसर ऑप्शन बी है, ए सी अपॉन सी प्लस बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको इसको सिमिलैरिटी से ही सॉल्व करना था। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पेशेंटली, कीप राइटिंग, कीप सॉल्विंग।